हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हिंदुस्तान के हर गांव के हर घर में यही कहानी चलती आ रही है। किसान अपनी जमीन बेचते हैं और अपने खुद के जमीन पर खेती करते हैं किसी और के लिए, या तो उसकी चौकीदारी करते हैं या गांव छोड़कर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। ये कहानी है दत्ता पहलवान और उसके बेटे राहुल की। वो देखो साला वॉचमैन सोया है। बजाओ हॉर्न। आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। वो बाजू संभाल के। अरे गेट लग रहा है, गेट। अरे रुको 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 साहब, गेट बंद हो रहा था। क्या किया तूने? ड्यूटी पे आता कि सोने आता है तू? मारो मारो की कभी सो ना पाए। राहुल दादा तेरे बाप को शिंदे बिल्डर मार रहा है। साले शिंदे की तो मैं चल करने। राहुल रुक, फैल गया यार। चलो उठो, 200 पूरे करने हैं। वो शिंदे सेठ क्या कर रहा है? ये कोई तरीका है क्या? मर्सिडीज की हालत देख, खुद को बेचेगा ना तू भी, इसके रिपेयर का खर्चा नहीं दे पाएगा। ओ शिंदे सेठ, पैसे की अकड़ मत दिखा, भूल मत जिस जमीन पे तू खड़ा है वो जमीन कभी हमारी थी। रोकड़ा देके खरीदी है मैंने। अरे जा, सबको पता है कि दाम में खरीदी है। राहुल राहुल बस कर, गलती मेरी थी, मैंने कहा ना। जा ले जा ले जा, चल यहां से। चल बस कर, बस कर। क्या मिला आपको जमीन बेचकर? लोन में बेटी की शादी, समदेव को उनके औकात से ज्यादा गहने, दहेज, गाड़ियां, ताकि सब बोले वाह दत्ता पहलवान ने क्या धूमधाम से शादी की। वैसे कोई बोला नहीं, मगर 3 महीने बाद जब एक घर आ गई ना, तब सब बोले दत्ता पहलवान का घमंड उतर गया। अपनी बेटी की शादी पर हैसियत से ज्यादा पैसे उड़ा दिए। राहुल
जबान बहुत चलती है तेरी, थोड़े हाथ पैर भी चलाएगा ना तो घर संभल जाएगा। माँ जो जमीन बेचता है ना वही कमाए। अच्छा तू क्या करेगा, गाली देगा और मुफ्त की रोटी तोड़ेगा। राहुल खाना खाते उठ। मुफ्त की रोटी है माँ, कुत्तों को खिला दे। फालतू में बढ़ता है यार तू। खेती बाड़ी के सिवाय मेरे को कुछ आता नहीं, साला 8वीं कक्षा में स्कूल छूट गया। ए, स्कूल मेरा छूटा, तेरे को निकाला था समझा, मास्टर की बेटी पे लाइन मार रहा था। लाइन नहीं मार रहा था, उसे मैं लव करता था। हाँ इसीलिए तो लगे ना तेरे लव। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अरुण तू भी? हाँ उसको भी लेके। ए तू क्या कर रहा था? टेम्पल के जगह पे उसका पुणे में एडमिशन लिया। क्यों क्यों मतलब अभी यही? हाँ मुंबई का कंटल आ गया था। कैसे काका कैसे हो? उनके मार्केट यार पुलिस स्टेशन पे ट्रांसफर मिला अपन को। क्या रामायण सुनेगा? चल मिलता हूँ काका। काकी चलता हूँ। क्या हुआ, आप सब लोग मुंह लटका के बैठे हो? वो शिंदे ने तेरे बाबा को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? वो सब्जी लेके आ रहे थे अपने खेत की। अपने खेत की बाबा हैं? अपने खेत की? बस राहुल बहुत हो गया। चलो अपने खेत से सब्जी ला रहे थे तो नौकरी से क्यों निकाला? शिंदे ने बोला इन्होंने चोरी की, धक्के मार के निकाल दिया। अब क्या करेंगे? वो तरडे है ना, उसने काम देखा है वो पुना के मार्केट यार्ड में। मार्केट यार्ड में कौन सा काम होता है? हमाली सही है बाबा, जिसमें ताकत लगती है मगर हिम्मत नहीं। और आप तो ठहरे पहलवान। साले मेरे बाप को काम से निकाला तूने, वो भी धक्के मार कर। जहाँ रखवाली करते वही चोरी करेगा तो क्या सर पे लेके नाचोगे उसको? अरे कितना लेके जा रहा था रे वो? इतनी सब्जी तो तूने जिंदगी में नहीं खाई जितने मेरे बाप ने मुफ्त में बांटी है। अरे निकाल वरना घोड़े लगा दूंगा तुम सबके। ओ शिंदे सेठ, राहुल किसान की औलाद हूँ, अपनी माँ की कसम खाता हूँ एक दिन मैं तुझे बैल लगाऊंगा वो भी जोड़ी में, तुझे बनाऊंगा हल। चल बाबा मैं आपको भी बोल रहा हूँ और आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। चुपचाप बैठ जा। मेरे घोड़े लगाएगा? हमारे घोड़े लगाएगा? ये बैठ जा। राजा दशरथ ये हमारे साथ आएगा तो चलेगा? तू ना हर वक्त मजा, हर वक्त मजा। बैग पकड़ बैठी था। इसने बोला और तू आ गया। कहाँ जा रहे हो? शिंदे बिल्डर का प्यार है समझा, मुझे छोड़कर जा रहे थे। नगर के गैराज में एक लड़की का रेप हुआ है। पुलिस तो छोड़ो यहाँ के लोग भी मदद करने से डर रहे हैं। मर्ज क्यों कर रहे हैं? अभी रहने देना, फंस जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। चल निकलते हैं यहाँ से, जल्दी चल। हाँ चल ठीक है, चल चल चल। रुकिए सर,
किसी ने कुछ देखा। किसी ने कुछ भी नहीं देखा, वीडियो बना लिया, पोस्ट भी कर दिया, लेकिन देखा किसी ने कुछ भी नहीं। इस बच्ची की जगह आपकी बेटी होती, बहन होती, तब भी वीडियो बनाते, पोस्ट करते? शर्म आनी चाहिए। किस बात का डर है? दहशत किसकी है? साहब मैंने देखा है। साहब वो यहां का एमएलए है ना, ये सब उसके बेटे ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बेटे ने पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा ही किया था। लड़की के भाई ने पुलिस कंप्लेन की तो उन लोगों ने उसको मार डाला। सबके सब जानवर हैं। रहता कहां पर है वो? उस बिल्डिंग में। देख कौन है। हाँ भाई। सरदार जी अंदर क्यों आए? तैनू अंदर करन वास्ते। क्यों? की हाल कीता उस कुड़ी दा? ना कोई गवाह ना कोई विटनेस, ऐसे कैसे अंदर करोगे तुसी? और तो फिक्र ना कर। का दहशत था ना, अब गवाही दोगे? मैं गवाही दूंगा साहब। मैं भी गवाही दूंगी सर। मैं भी गवाही दूंगा। बीच में गोनी पड़ी थी। बीच में गोनी नहीं पड़ी थी, बीच में चाय वाली पड़ी है। पिछले 6 दिन से देख रहा हूँ, तेरी नजर उसी पे अटकी है। दिल आ गया उस पर यार। तेरे हाथ नहीं आने वाली। अबे पटाऊंगा उसको। अरे छोड़,
देखना चाहता है। हाँ क्या है? एक स्पेशल चाय। लेकिन इससे पहले बोलना सीख। तू सिखा दे। स्पेशल चाय बोलते हैं उसको, 3 रुपए की आती है, लेकिन तू 1 रुपए की कटिंग इच पी। यहाँ सारे हमाल ना वही पीते हैं। फिर तो मैं 3 रुपए वाली पिएगा, क्योंकि अपन हमाल है मगर कमाल है। ये ले 3 रुपए। ये ले चाय। तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये चाय स्पेशल है? मंदा की जुबान पर ना, इधर कोई शक नहीं करता है, समझा क्या? तो लगा अपनी जबान इस चाय को, फिर मैं मुंह लगाता हूँ। हे डेढ़ शाने, जरा आजू बाजू देख, सारे निठल्ले मर्दों के बीच ना अकेली लड़की है जो दुकान चलाती है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चाय का ग्लास लेते वक्त कोई छुए भी मेरे को। और तेरे को क्या लगता है तू ऐसे 2-4 फिल्मी डायलॉग मारेगा तो पटा लेगा मंदा को? चाय पीनी है तो पी, नहीं तो पतली गली से निकल ले चिल्लर कहीं का। एक दिन तू इस चिल्लर को स्पेशल चाय पिलाएगी, वो भी मुंह लगाकर। चल रे गणिया, 3 रुपए ले जा अपने। क्रेडिट है तो स्पेशल चाय के। मैं तो चाय से गर्म है। एक दिन शादी करूंगा उससे। कहाँ गए थे तुम लोग? पापा चाय भी नहीं गए थे। चलो ये सारी गोनियां उठानी है, आ जा। जी। चल राहुल। ये क्या कर रहे इधर? कौन इस जरा अगाड़े में बुजुर्ग उठाते उठते इधर बोझा बोझा उठा रहा है इधर से? तो वजन था इसको? वजन था एक ड्रम का महाराष्ट्र केसरी था ये। हाँ चल कुछ भी। सची मैंने उसको ट्रॉफी के साथ 5,000 रुपया दिया था बख्शी, समझ गया। अबे पांडु सब कुछ भी समझ के बर्बाद हो गया। हाँ चलो पकड़ना टाइम हो गया, हाथ तक क्या काम कर करके। चलो पकड़ ले। हाँ चल चल। ए चला चल चल आगे बढ़। ये क्या है, काय की लाइन है? अरे हफ्ता देना पड़ता है ना कॉर्पोरेटर को। काय को हफ्ता नहीं तो काम बंद। ये तो जबरदस्ती है, देना तो पड़ेगा। सबसे खूबसूरत दिन है आज आंटी, इधर मैं बार में आके बजाऊंगा घंटी। ए चिंदी चोर, कहाँ गलती मार रहा है? इधर आ। ए बहुत होगी तेरी सांपटी, इधर आ। इधर आ। मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई भाई छोड़, पैसा निकाल, पैसा निकाल। ये सारा बोल रहा हूँ ना, हाथ लगा। ए डर रहे, मार रहे। अरे क्या कर रही है? तुम लोग मार क्यों रहे हो? छोड़ो छोड़ो मेरे मामा को। उठो छोड़ो। अच्छा बीच में से बहुत चल भी रहा तेरे बाप को। उठो चल। ये क्या कर रहे हो? अरे बस करो ना, कितना मार रहे हो? अबे चल बे चूजे, निकल यहाँ से। गाली देने का क्या करेगा बे तू? क्या करेगा? हाथ पर लगा तू। अबे बस कर, खड़े बाहर ले जा। मेरा पैसा लिया था इन लोगों ने। सिर्फ पंजाब में है क्या? सरदार दुनिया के कोने कोने में है, जापान में भी। जहां जहां सरदार वहां वहां गुरुद्वारा और लंगर। कोई भुक्खा नहीं मरता। एक हफ्ता नहीं हुआ तुम दोनों को पुनः आकर और लफड़ा शुरू कर दिया। साबू हमाल लोगों से हफ्ता ले रहे थे। दे देते हफ्ता? साबू मारपीट भी कर रहे थे तो मार खा लेते। सब शंड लोग हैं वहां पर, तुम दोनों को हीरो बनने की क्या जरूरत थी? साहब गलती हो गई साहब,
आगे से नहीं करेंगे, छोड़ दो ना। हाफ मर्डर का केस है तुम दोनों पर, पहुंच गए तुम दोनों। एक नंबर का लिचड़ है वो कॉपरेटर साल्वी। अरे राहुल यार गने तुम्हें आत्मा देख सके। उदय भाव तुम पहचानते हो दोनों? हाँ, मेरे गांव के बच्चे हैं। अच्छा है, मतलब क्या किया क्या उन्होंने? कॉर्पोरेटर साल्वी इतने सालों से हफ्ता ले रहा है मार्केट यार्ड पर, इन लोग गए हीरो बनने, अगले हफ्ते एक और कुली हफ्ता देने से इनकार करेगा। इतने दो दिवस आए लॉकअप मदे, मंडे को बेल हुआ तो ठीक, वरना साल्वी के आदमी है अंदर खातिरदारी करने के लिए। एक्चुअली अच्छे बच्चे हो साहब, इनका इनका कोई गलती नहीं है। ये लोग तो हमको उदय यांची का चूक नहीं है, मुझे बचाने के लिए। उदय भाव जानते हो इनको? हाँ, ये राहुल के पिताजी महाराष्ट्र केसरी है और वो उनकी बेटी। पहलवान जी आज का ही नहीं होना, मंडे को बेल हुई तो बेल के पैसे जमा कर लेना। पैसा? लेकिन मेरे पास पैसे। ओ दत्ता काका, दत्ता काका मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। मैं उदय दादा ते जेवले सुद्धा नाही आहे, जेवण ची पडली। ठीक आहे जाऊ, चल। नाही नाही चल, मी आहे ना आता, चला हे यांना घेऊन चल, तुम्ही जाओ घरी। ए ती जा, अच्छा लगा तुम्हारे वजह से महाराष्ट्र केसरी हमारे सामने ऐसा लाचार खड़ा था। सुधर जा, वरना तेरे मरने से पहले तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। क्या कर सकते हैं यार? सही क्या नन्हे भाई, आज छुट्टे वाले आप? हाँ फिर अपने भाई लोग है, याद रखना। चलो भाई लोग निकलता हूँ, बाहर ही मिलेंगे। आप जाओगे तो मजा नहीं आएगा यहाँ। साले तेरे मजे के लिए मैं पूरा टाइम अंदर सड़ू। कौन है रे ये नए कबूतर? अरे नन्हिया भाई, वो कॉर्पोरेटर है ना साल्वी, उसके लड़के लोग को ठोका था इन्होंने मार्केट यार्ड में। इन्होंने? हाँ आज है इनकी पिटाई नन्हिया भाई। क्या पे साड़े? क्या हो गया भाई? बहुत अच्छा चलता है ना तेरा। अरे हाँ, भाई देख। अरे हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या कांड किया तूने मार्केट यार्ड में? देखो भाई गुस्से में हाथ उठ गया था, गलती हो गया। अरे बोला ना गलती हो गई, गलती से हुआ। क्या घूर रहा है बे, नीचे देख। पीछे चल, पीछे पीछे चल, ए पीछे। क्या हुआ नन्हिया भाई? मार्केट यार्ड में भाई के लोगों पे इसने हाथ उठाया। हाँ अभी तुम लोगों ने मारा ना उनको फिटूस। और भाई मकिया का सिर फोड़ा इसने। ए, पीछे चल भाई, बैठ उधर, हो जाता है गर्मा गर्मी में। चल निकल अभी चल। पर भाई ए घुसू चलना, चल ए चले, चल चलो चले पीछे पीछे। नाम कह रहे तेरा? राहुल। कन्या बेल हो जाएगा तुम लोग का, तब तक लफड़ा नहीं करने का, शांति से रहने का। चल अभी नहीं है। अबे एड़े पुणे का बादशाह अपना नन्या भाई। ए क्या रे? नमस्ते नन्या भाई। ये क्या हो गया, ये तोड़फोड़ कौन किया? बैठो 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 बैठो। वो साल्वी के लड़के लोगों ने मारा इनको रात को जेल में। लुखे साले, साल्वी के लड़के लोग भी लुखे हैं भाई, मगर मैंने भी छोड़ा नहीं। एक का दांत तोड़ दिया और दूसरी के अंक का मैंने बैंगन बना दिया। शुगर है ना तेरे को? शुगर है, गुड़ थोड़ी है। गया। तुम लोग भी ना पंटर है साले, एक नंबर के। नया भी टेंशन नहीं लेने का,
इधर मेरे साथ काम करने का, घर वालों को बोल दो काम भी हम करने की जरूरत नहीं है, है ना? वो नन्हे भाई, हाँ, वो कॉर्पोरेटर को तड़ी देने गए। इसको साड़वी साड़वी। अरे भाई, वो गन्ने का हाथ तोड़ा ना, मैं उसका हाथ तोड़ेगा। एक टाइम का बहुत बड़ा शाना था ये साड़वी, हमेशा आजू बाजू में 10-12 पंटर लेके घूमता है वो, ऐसे मारोगे? पर भाई, हर शनिवार वो चौफुला जाता है ना अकेला डांस देखने, सब उसके पंटर लोग बाहर रहते हैं। साली, गणिया हमालों के पैसे अपने शौक पे उड़ा रहा है साला भुक्कड़। सुन, अगर आज के बाद तू या तेरे लड़के लोग मुझे मार्केट यार्ड में दिखे तो तेरी चमड़ी उतार कर चप्पल सिलाऊंगा। कुत्ते के मौत मरेगा तू। गणे भाई चलो, अब फेंके में पैसे उठाएगा। चल।
मैं माना नहीं चाहता था साहब उसको। वो मेरे पीछे चॉपर लेके भागा था और मैंने इसको सिर्फ धक्का दिया। अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरी जान ले लेता साहब। वहां पे क्या शादी का न्योता लेके गए थे? वो सेल्फ डिफेंस का केस बनेंगे तो चोट भी मुश्किल है। केस स्ट्रॉन्ग है, सजा तो होगी। अरे एमएलए और नन्या एक साथ, ये क्या कर रही हैं? नमस्ते राजवीर, ए कुर्सी पे चले। जी सर। कैसे आना होगा? ऐसे निर्दोष नौजवानों के साथ इस तरह से पेश आओगे तो जनता का सेवक होने के नाते तुम्हारे दरवाजे पे आना पड़ता है। उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने कॉपरेटर को मारा है। अगर टॉर्चर करोगे, डंडे से पीटोगे तो कोई भी कबूल करेगा। ए टीवी लो, देखो आधे घंटे से कौन सी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। उस दिन वो कॉर्पोरेटर बहुत नशे में थे, मैंने उनको बोला यहीं रुक जाओ, नहीं सुना और उस हाथापाई में कांच से टकराए और मर गए। मैंने बहुत बोला साहब को कि इतना मत पियो साहब, पर देखो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और फिसल कर गिर गए। तो ये बात जाहिर है कि कॉर्पोरेटर सालवी का खून नहीं हुआ था, ये एक हादसा था। ये जमानत के पेपर लाए, देखेंगे? नहीं उदयभाव सोड़ा। पाव छूलो एमएलए साहब के। सब बस 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 सब बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, उधम मचा रहा था सालवी, मारा साले को, अच्छा किया। लेकिन साहब उसका आदमी ऐसे छूट कैसे बोला? उसकी बीवी के कनपट्टी पे रखा घोड़ा तो हमारे फरमाइश पे पोपट से ऐसे गाने लगा। सिंपल नन्या, वैसी मैं तेरे कनपट्टी पर घोड़ा रखूंगा और फिर मुझे देखना है तू कहां कहां से क्या क्या पकता है। रजवीर ठंडा लेना, फिर से सस्पेंशन पे जाना है क्या? कोई गम नहीं, सुधर जा अभी। हैं सुधर जा, चल आजा। सोमन हां प्रोसीजर कंप्लीट कर ले भाई लोग। okay. चलो चलो भाई। ए चाय मंगा। ए नन्ना रे चाय मंगा, अरे टाइम लगता है इसमें। सिर्फ चाय। हां चाय बस, खारी बिस्किट टोस्ट बटर। नहीं नहीं सिर्फ चाय। हाँ पुलिस स्टेशन तेरे प्यो दा घर है, पानी चलेगा? हाँ पानी पिलाना सबाब दा कम है। छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ एडवोकेट सोमन हूँ मैं, एडवोकेट सोमन, लेकिन देख लूंगा। हाँ साहब आप सस्पेंड हो गए थे? हाँ 2 साल पहले की बात है, कॉलेज में एक ड्रग गैंग थी जिन्होंने एक लड़की को ड्रग्स की लत लगाई, उसका बलात्कार किया, उसके चेहरे पर तेजाब फेंका और कॉलेज के बाहर छोड़ दिया। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, दीवानों को सबक सिखाने के लिए कानून अपने हाथों में ले लिया और इस गैंग के एक आदमी को भी नहीं छोड़ा। इसी एमएलए हमबीर के कहने पर ह्यूमन राइट्स वालों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया तो 2 साल तक मैं सस्पेंडेड था, लेकिन ये क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, चाहे भी तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। गुलशन की जगह एक दूसरा गुंडा आया, उसको एमएलए का सपोर्ट मिला, वो नन्या भाई बन गया, अब नन्या भाई की जगह लेगा राहुल। चाहे भी तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इन पॉलिटिशियंस का कंधा काम करने के लिए। दत्ता भाऊ आराम से ये ले। अरे बाबा आज से हमाली बन। पीठ से तो बोझ उतार दिया लेकिन सीने पे जो बोझ डाला उसका क्या? कौन सा बोझ बाबा? अरे एक आदमी की जान ली है तूने। बाबा मैंने? अरे निर्दोष छूटा हूं मैं। तेरे नसीब से छूटा है राहुल, एक मौका मिला है सुधर जा। देख आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे। बाबा मैं आधी नहीं खाऊंगा, मैं पूरी थाली खाऊंगा, वो भी स्वीडिश के साथ। यह भाईगिरी से या तो शमशान मिल सकता है या फिर यह सत्या बेवड़ी की तरह बर्बादी। आप ये सब चीजें छोड़ो, मारुसीमा को लेके मेरे नए घर पे चलते। तू अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ,
कि हमारा बोझ उठा सके। चल, बहुत काम बाकी है, मेहनत की रोटी खानी है रात को। ठीक है बाबा, जैसी तेरी मर्जी। नहीं खाना मुझे, खाना खाना। ए, मारता क्यों है बच्ची को? देखिए ना, खाना नहीं खा रही है। क्यों नहीं खा रहे हो? यही रोज बेसन की सब्जी मैं नहीं खाने वाली। अपने खेत की सब्जी यहाँ बेचते हैं और हमें ये बेसन की सब्जी खिलाते हैं। सब्जी बेचना है? हाँ साहब, वो मेरा ट्रक है। कितने में बेचा? 8,000। खाद, बीज, दवाई, कितना खर्चा हुआ? 1,500। और ये ट्रक का भाड़ा? 3,500। टोल, खाना पीना? 1,500। कितना हुआ? 6,500। हाथ में कितना है? 1,500। 1,500 के लिए इतनी मगजमारी? क्या करूं साहब, वो दलाल भाव नहीं देते। चल मेरे साथ। नमस्ते साहब। पैसे दे रहे इसको? दिया ना साहब। दिया ना, और क्या चाहिए? 8,000 परवड़ता नहीं है साहब, बहुत कम है। तुम लोगों का भी ना, ये ले 500। साहब इससे क्या होगा, 12,000 तो मांगता है ट्रक का। तू निकल अपना ट्रक लेके, चल निकल साहब, निकल। मेरी बात तो नहीं साहब, आज के बाद मार्केट में दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। नहीं साहब, साहब मेरी बात सुनो। कौन खरीदता है तेरा ट्रक 12,000 में? मैं खरीदेगा। मैं खरीदेगा सब्जी 12,000 में। 12 साल से इस मार्केट में खरीद रहा है मैं सब्जी। तेरे जैसे कितने आए और गए, आपकी बार मुंह खोला ना तो तेरे दांत तोड़ के हलक पे डालेगा मैं। भाई कितना मारेगा यार, आज सिर्फ मारा है। अगर फिर मेरे को तू मार्केट में दिखा ना तो तेरी तंगड़ी तोड़ के पता है कहाँ डालूंगा। एक होता है ऊपर वाला हलक और एक होता है, समझा? चल निकल। और तुम सब सुन लो, आज से तुम्हारी सब्जी मैं खरीदूंगा और दाम है, अरे बोलना, 12,000 रुपए। मंदा को बोल एक स्पेशल चाय। सब्जी के ट्रक का मतलब 24,000 प्रॉफिट, इसलिए तो 12 दिया ना। अच्छा है, पार्टनरशिप करते, दिमाग तेरा पैसा मेरा। भाई दया और पिटिया, ये लोग इधर क्या कर रहे हैं? कौन है ये दया और पिटिया? ए बन गार्डन के शाने छोटा मोटा गेम बजाते, तेरे मुड़ुशी के ही है। अरे दया, दिगंबर दादा, तू क्या कर रहे इधर साले? तू जानते है इनको? अरे पंटर थे अपने यार, ये लोग सिगरेट दारू लाते थे हमारे लिए, टपली मार के काम कराते थे इनसे। अभी टपली मत मारा, पिछवाड़े में उंगली करेंगे। क्या मजाक कर रहे हो नानिया भाई? मजाक नहीं, कॉर्पोरेटर साड़वी का गेम इन लोगों ने बजाया है। अरे नानिया भाई पहले से डेयरिंग है इसमें, ये वो दत्ता पहलवान का छोकरा है ना। ए, दत्ता सच कैसे? अरे दत्ता पहलवान मार्केट में हमाली कर रहे। नानिया भाई जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तब मैं, इसकी फैमिली स्टोरी मत सुना, तेरी स्टोरी सुना। ओ हाँ, 50 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है, छुड़ाना है, मतलब बहुत बड़ा काम है, हमारे बस का नहीं। उसमें मेरा क्या? ठेकोगे की सुपारी है,
तीन तुम्हारा तीन अपना। डन डन क्या डन? ये वही प्रॉपर्टी है जो पहले हमने छुड़ाने की कोशिश की है। 26 मालिक है, वतन की जमीन है। एक्टर सिटी लग जाएगी। वो कामड़े फैमिली वो प्रॉपर्टी। ए जा बाहर जा, नहीं होगा। चल अब फोन ट्राई करेगा तो? बड़े बड़े लोग थक गए उधर, तू क्या ट्राई करेगा? ए वकील, लगा तो घोड़ा पर ना उठ। उठ क्या उठ? मेरे क्यों उठ बोल रहा है? मेरे को बैठने का। बैठ ना फिर, बैठ बैठ तू। उठ बोलते हो वो यार। चल कर ट्राई। मैं करता हूँ नन्हे भाई ट्राई, पर ये 50-50 का हिसाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तेरे को भी कट चाहिए? क्या नन्हे भाई, आपसे कट लेगा? नहीं मैं बोलता हूँ 90 आपका और इनका 10। ए, हम लाए सुपारी रे। तो खुद ही गेम बजा और पूरा खा। पॉइंट है नानी भाई, ये पॉइंट है। ठीक है नानी भाई, 30%। 12। 20% नानी भाई, चलो 15। 18। चल अटे गोचू, चना खरीदने आया क्या? चलो नानी भाई, नानी भाई ठीक है ठीक है। 15 ठीक है। ए वकील, जितने मालिक है ना सबके कागज तैयार। चीयर्स चीयर्स। ये लगाना अंगूठा, तेरे को शांति से बोल रहा हूँ, लगा अंगूठा। चल तेरे को ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा पैसे ले, मगर चुपचाप अंगूठा लगा, समझा? जब तक मास्टर नहीं बोलेगा मैं अंगूठा नहीं लगाएगा। ए गड़िया, कौन है इनका मास्टर? वही जिसने तेरे को स्कूल से बाहर निकाला था। अच्छा, आने दे तेरे मास्टर को, आज पुराना हिसाब भी चुकता करते। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या रे सुमन, तूने सुधरेगा ना? मुझे क्या पैसा मिलता है ना तो कोशिश करते रहना, मेरा काम है। आखिरी बार सुन ले, मर जाऊंगा लेकिन मेरी जमीन नहीं बेचूंगा। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मर गए तो तुम्हें कैसे पता कि ये जमीन तुम्हारी है या किसी और की है? राहुल तू इधर क्या कर रहा है? मास्टर जी मैंने सुपारी ली है आपकी जमीन खाली कराने के लिए। अब चलो फटाफट आ जाओ सेंगरी। चल, बचपन में ही तेरे रंग मैंने पहचान लेते बेशरम, इसलिए तुझे स्कूल से निकाला था मैंने। पर बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख जाता तो साला क्लर्क बनता, और किस्मत अच्छी होती तो साला अफसर। मगर अभी क्या है ना मास्टर जी, बड़े बड़े अफसरों की पतलून की ली हो जाती है मुझे देखकर। अब साइन करें। ए मास्टर, मैं नहीं डरता किसी से। किसान की औलाद हो क्या, ऐसी घिनौनी हरकत करता है तू? मैं साइन नहीं करूंगा। मास्टर जी दिमाग मत हटाओ। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? तेरी औकात जानना चाहता है तू? क्या रहा है? अंगूठा ले इसका, मरे ने का अंगूठा भी अंगूठा ही होता है। ए गड़िया, सबका अंगूठा ले। 26 मालिक, 26 स्टैंप पेपर। तो इसने मारुति कामले को मारा है? हाँ साहब, इसने मारा। हाँ, ये मारुति कामले का चाचा है साहब। और आप बिना मतलब राहुल के घर जाके उसके माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। ये हीरो। हाँ बोल बोल साहब को बोल। पैसे पैसे की बहुत जरूरत थी, और वो मारुति कामले बहुत मनमानी कर रहा था, तो गुस्से में मैंने उसको गोली मार दिया। हाँ मैंने, मैं बोल रहा था। बस बस बस, मस्त एकदम। गोली मारना अलग बात, ये पिस्तौल उठा के दिखाओ। अबे इसका क्या मतलब है अभी? हा? वो खुद बोल रहा था उसको अरेस्ट करो पहले। तू बड़ा कमीना है। एक दिन मैं तेरे को नंगा करके मारूंगा। कभी कोर्ट में मिले ना तो कटघरे में खड़ा करके नंगा करो, वो भी एक भी कपड़ा उतरे बिना। चल ले लिया तेरे ये चैलेंज। एक बात बता, कैसे किया तूने ये? कर्जा बहुत था बुड्ढे पे, पैसा दे दिया इसको। अब ये और इसकी फैमिली, इनको जिंदगी और पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुश है। इसने दिया, मैंने लिया, फोक दिया, है कि नहीं? बर जाओ, बाबा बस मस्त बढ़िया, जा जा अभी हो गया, बढ़िया। गुड बॉय। हाँ ये
ये राहुल के एंटीसिपेटरी बिल। अब चाय पी लो। नहीं देखिए देखिए, पहले तो हमारे विदर्भ में पानी किल्लत चल रही है और आप बार बार मुझ पे पानी वेस्ट कर रहे हैं, ये बार बार नहीं कर रहे साहब। मिनरल वाटर है? अरे तेरा मास्टर था वो, स्कूल में पढ़ा था उसने तुझे, उसे ही मार डाला। मैंने नहीं मारा माँ, उसके चाचा ने मारा उसको, पेपर में आया है, टीवी में आया है, देख लो। जैसा तूने कॉर्पोरेटर को नहीं मारा था। जा बाबा तू यहाँ से, जा जा चल। अरे जा, आप लोग पागलपन कर रहे हो। अरे सीमा समझाने इनको। वो क्या समझाएगी, गण्या लेके जाए सौकर को। तो मरो यहाँ पर। ए सीमा तू चल मेरे साथ, चल 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 चल। सीमा चल, निकल जा तू यहाँ से, दोबारा आना मत इस घर में। आमदार साहेब, गुड मॉर्निंग। नन्या, सवेरे सवेरे दर्शन। आप हमारा काम नहीं करते तो आना पड़ा। मैंने कौन सा काम नहीं किया तेरा? साड़वी मर गया तो भाई, इलेक्शन के लिए दगड़ू खापरे का नाम सुझाया था, क्या हुआ? खापरे पे दो मर्डर का चार्ज है। ए अंबीर, एक टाइम तेरा भी रिकॉर्ड कौन सा साफ सुथरा था, फिर भी एमएलए है ना तुम। पार्टी प्रेसिडेंट खापरे के नाम से खुश नहीं है। दूसरा पार्टी टिकट देने के लिए तैयार है, फिर असेंबली इलेक्शन में वही पार्टी मेरे को तेरे सामने खड़ा करेगा। फिर गया ना तू, नाराज क्यों होता है? चल, खापरे की सीट पक्की, मेरी जबान है। मैं जानता था तू काम करेगा, चलता हूं। ए गाड़ी कट रही। टेम्पो से सब माल उतर गया? सब माल उतर गया। सेठ, सब जन एकदम खुश है, मेरे बेटे ने किसानों की जिंदगी एकदम सुधार दी। हाँ, बहुत खून भी तो बहाया है। राहुल, तू सचमुच मारुति कामरे को मारा? देख मंदा, मेरे बाबा की हर बात मत सुना कर तू। तो फिर लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे क्या पता, अखबारों में भी तो आया है कि उसके चाचा ने उसको मारा। मेरे बाबा नशे में जरूर रहते हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं तुझसे कौन सा कम प्यार करता हूँ? राहुल, मेरी जिंदगी का हर फैसला वही करेंगे, और एक गुनेगार के हाथ में अपने बेटी का हाथ नहीं देंगे। वो खुद क्या था? इसीलिए तो नहीं देंगे। अरे राहुल किधर है? हाँ है ना, राहुल राहुल नन्हे भाई आए। अरे तू चल। नन्हे भाई अचानक से आप आए ना एकदम। ए एंग्री यंग मैन। अरे पैरने 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 ऐसे आ जाना। मस्त रे कड़क। छोटा भाई है, क्या कर रहा था उधर कोपचे में? कड़क लड़की है। कड़क कड़क पोरगी है। अरे अपन का सीरियस वाला नन्हे भाई, काम हो गया तेरा? क्या बात कर रहे हो नन्हे भाई, वैसा नहीं है। तेरा होने के बाद मुझे बता अच्छी लगी। हम दोनों वाऊ बाऊ, एक लड़के साथ में पट्टा। बोलो ना आपको नन्हे भाई, प्यार करता है उससे, सीरियस वाला है? मजाक कर रहा था रे, मैं तेरे लिए कुछ लाया मैं। अरे ये देख, ये आइटम कैसा है? मस्त है, एकदम मस्त है भाई, तेरे लिए। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी नन्हे भाई? जरूरत, मारुति कामड़े के जमीन का डील हो गया ना भाई, 26 एग्रीमेंट पड़ा है गाड़ी में। चाबी फेंक। हाँ भाई, ये लो भाई, ये ले, ये चाबी ले, वो गाड़ी में बैठने का और आज रात मेरे बर्थडे पे आने का, टाइम पे है? जी भाई। क्योंकि जब तक मेरा ये भाई नहीं आएगा, केक कटिंग नहीं होगा, करेक्ट ना भाई? लो भाई, टाइम पे आने का। चल अब ये भाई बन गया तेरा,
बाबा जब अपने साथ छोड़ देते ना तो परायों को ही अपना बनाना पड़ता। अपना लो। अरे बैठ ना बैठ, दो मिनट वो भुक्कड़ जा रहा है, उसकी कहानी सुना दो। बैठ बैठ। जब ये सिंध ने तेरी ये बाप जमीन खरीदी थी ना वो कोड़ी मोड़ के दाम में, हाँ किसकी वजह से जानते तू? ये नन्या भाई की वजह से। ये नन्या भाई ने तेरी बहन के ऐसी कनपट्टी पे घोड़ा रखा था और बोला था अंगूठा लगाने का पेपर पे, नहीं तो पहले तेरे बहन को रेप करेगा फिर टोकेगा। मरता क्या ना करता, तेरे भेजरे बाप ने अंगूठा दे दिया और ये सारा नन्या तेरा भाई हो गया, सर पे लेके नाच चले तिया जू उसको इसलिए सरा। ए उतना ही है। ए क्या क्या कर रहा है बे? ए मेरे सब देख क्या रहे हो, तमाशा लगाए, चल निकलो यहां से। हेलो एक मिनट राहुल, एमएलए अंबीर। हेलो। इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। Hey, hey, hey.
केस लड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो पकड़ इसको। चलो, ये तुम्हें बार बार शर्मिंदा होने में मजा आता है क्या? जी करता है तुझे यहीं पर गोली मारूं। जबान संभाल के बात करो साहब। कमजोर पे क्या हाथ उठाता है? दम आजमाना तो मुझ पे आजमा। आजा। वर्दी की इज्जत कर रहा हूं साहब, इसलिए चुप हूं। तू वर्दी की इज्जत करे ना करे, हम जरूर करते हैं। दे भाव, ये जरा प्रेमा ने ठे। अच्छी प्रेमा ने ठास तो मेरा बाप महाराष्ट्र केसरी था। तेरा बाप महाराष्ट्र केसरी था, मैं हिंद केसरी। तो जानता है क्या, मैं पूना का नया भाई। से हिंदुस्तान का भाई हूं। सौ से ज्यादा लोग थे उस पार्टी में, किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन नन्या के खून का इल्जाम राहुल पर डाल दिया गया। राहुल मेरा एक अच्छा और होनहार कार्यकर्ता है, लेकिन पुलिस की उसके साथ ज्यादती दुश्मनी है। अब देखिए, कॉरपोरेटर हादसे से मरा, लेकिन राहुल को अंदर डाल दिया गया। मारुति कांबड़े का खून उसके चाचा ने किया, लेकिन इल्जाम राहुल पर डाल दिया गया। और अब ये, लेकिन ये पुलिस की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ए वकील, ये केस कितने दिन चलेगा? अरे काहे का केस, कोई विटनेस ही नहीं तो केस काहे का? जज तो ऐसे ही फेंक देगा पहले ही दिन। वैसे भाई, वो दया और पीटर मिलना चाहते हैं। अभी नहीं, बाद में। सर उधर है। हेलो सर। ओह सर। ओ बैठो बैठो देवा। और सर आपको मालूम है राहुल भाई की बेल हो गई? मालूम है। आपको क्या लगता था कि राहुल जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा?
जब तक ये करप्ट एमएलए हम्बीर जैसे लोग हैं सब छूटते रहेंगे। हमको बंदूक तो दे दी लेकिन हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। आपने महाभारत पढ़ी है? पढ़ी नहीं लेकिन टीवी पे देखी। महाभारत का हीरो कौन था? अर्जुन। उनका निशाना बहुत अच्छा था, दिमाग कृष्ण भगवान का था। अत्याचार खत्म करने के लिए उन्होंने भाई को भाई के सामने खड़ा कर दिया। ये भाईगिरी खत्म करने के लिए हम इन भाइयों को नहीं लड़ा सकते। सही, क्या दिमाग है। आपको मेरा स्वभाव कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब बहुत शांत है। क्योंकि मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं करता, इसलिए ना बहुत गुस्सा है मुझमें। जिस दिन ये सरदार दी हटेगी सब दी फटेगी। राहुल दया पिटे। अब इनको झेलो। एक और बना। कैसा है राहुल भाई? मस्त हूँ, मुझे क्या हुआ है? आज इधर काम था। कामले की सुपारी ली थी ना, उसका 15% लेने का था। ये देख, नन्हे केस में ना खर्चा बहुत हो गया, हालत थोड़ी टाइट है। हालत तो हम लोग अभी टाइट है राहुल। तो एक काम कर, 6 लाख रख, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है? 6 लाख से क्या होएगा, 90 पेटी बनता है अपना। तेरे को बोला ना अभी 6 लाख रखने को। हाँ देख, मुझे कोई मिलने आने वाला है, तुम लोग निकलो। जाओ ना, खाना खा के जाओगे। राहुल भाभी जी, ये तुम लोग जाओ, सबको आज छुट्टी। चल राहुल, मुझे घर जल्दी निकलना होगा। तेरे सिवा पाना है क्या मुझे, और खोना है क्या? तुम आओ तो अब जीना मेरा कैसे होगा यहाँ, ऐसा हो तो अब जाने जाना मैं तो जाऊँ कहाँ। मैं तेरा होने लगा है कदम, तेरे इश्क का हुआ करम,
फाइल मुझे चाहिए है अर्जेंट, लेकिन वो कौन सी फाइल याद नहीं आ रही। पढ़वा याद है, वो सुबह से ढूंढ रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। हाँ ड्रॉअर में होगी। हाँ नहीं, ये कपड़ पे तो नहीं होगा साहब, वही तक ले आता। ना आधे घंटे से रुका हूं मिनिस्टर दो ना साइन करने के लिए। तू कोई मिनिस्टर है जो हम लोग तेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट दें? पैर नीचे रख, पैर नीचे रख वरना तोड़ दूंगा। दो टके दा गुंडा साड़ा। ये दो टके के गुंडे की वजह से ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस वालों के घर चलते हैं। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो तुम लोग, और ये तेरी मेहनत की कमाई है, हक की कमाई है जो तू लुटा रहा है। गरीब किसानों की जमीन लूटकर पैसे कमाता है बुजदिल। जब ये बुजदिल कल एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, तो कुर्सी से उठकर सलाम करेगा उसको? तब तक जिंदा रहेगा तू? तेरे जैसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास, जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया है। साहब अपुन अलग है, अपुन टिका रहेगा और एक दिन इस महाराष्ट्र का सीएम भी बनेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। तो आप ऐसा समझो कि अपुन प्लास्टिक है। जबान है मेरी, एक दिन तुम्हें सलाम करते हुए और अपने पैरों में गिरते हुए देखूंगा। सरदार हूं मैं, वाहेगुरु और सिर्फ वाहेगुरु के सामने मेरा सर झुकता है। मौका मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा। उदय भाव, इस अनपढ़ का अंगूठा छपवा दो, अगर मेरी सटक गई तो इसका भेजा छाप दूंगा रजिस्टर पे। महाराष्ट्र दासिया। दया बहुत टाइम हो गया रे। आता ही होएगा पटवर्धन। पीटे दादा, आपकी घड़ी बहुत भारी है। अच्छी लगी? हाँ। ले। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही तो। अरे रख रे। अरे कौन हो तुम लोग? हाँ क्या तमाशा है? आ गया साला। अंदर कैसे घुसे? गेट से। अपनी फार्म में आने के लिए। चोरी है क्या? तुम्हारा फार्म? हाँ। पढ़ने को नहीं आता है क्या? पढ़ो। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विजय पटवर्धन, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। सॉरी हाँ सॉरी। चलो चलो निकलो निकलो। उधर किधर जा रहा है? अरे क्या कर रहा है? अरे चुप, वो दे। अरे क्या कर रहे हो यार? अब ये पढ़। मेरे बाप की जमीन, जो उखाड़ना है उखाड़ ले पिटिया। और दया, तुझे पता नहीं है ये जमीन मुझे किसने दिलवाई है? किसने? राहुलिया ने। दादा दादा सुनो ना, मेरे पास जाने दो ना। दादा बाहर निकल। दादा सुनो ना, मेरे को बात करनी है। दादा दादा से बात करनी है, जाने दो ना। दादा ये शाम से बैठा है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। जाने दो ना। अरे दे। चल कौन आ जा। क्या नाम है तेरा? सिद्धार्थ। पैसा चाहिए? काम तुम्हारे पास। तेरे माँ बाप क्या करते? 2 साल पहले बाप मर गया, उसके 3 महीने बाद माँ ने खुदकुशी कर ली। काम नहीं था तो चोरी की। 2 साल रिमांड होम में था, किसी ने बोला राहुलिया दादा अच्छा आदमी है, इसलिए आया तुम्हारे पास। रुक, ये पैसा रख रख, और जब और पैसा चाहिए होगा तो आके लेके जाने का, समझा? ये इसको लेके जा, घर छोड़ के जा रे, छोड़ के चल बेटा। दादा चल आ जा। दादा सुनो ना, दादा सुनो ना भाई। डर मत, कूद जा, मैं बैठा हूँ यहाँ।
घर में बैठा हूँ। कहाँ जा रहे? हाथ पैर मार, मार हाथ पैर। वारे मेरे शेर बाबा। मैंने कहा था ना, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दादा का फोन। हाँ दादा। बढ़िया, उस लड़के को किधर छोड़ा? छोड़ा नहीं दादा, वो तो है इधर गेट पे बैठा है। लेके लेके आया, उसको वापस लेके। ठीक है दादा। दादा ए, आजा तू, जा बैठ। हे उधर नहीं रे, इधर बैठ। इधर? हाँ। मेरे साथ रहेगा जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब तक तुम जो काम बोलोगे वो करूंगा। तू कल से स्कूल जाएगा, बहुत पढ़ाऊंगा तेरे को। बाप की कमी कभी महसूस नहीं दूंगा। बाप ना होने का दुख मैं जानता है। पैरनी पैरनी पैरनी, बैठ इधर। आज से तू मेरा जिगरी दोस्त है, हैं? जा। राहुल, राहुल। हाँ। वो अपना पटवर्धन है ना, जिसको अपुन ने मुर्शी में जगह दिलाई थी। उसका क्या? दया और पिटा ने उस जगह पर कब्जा कर लिया और उसके पैर में गोली ठोक दी। ये साले झंडू, दया पिटा का जल्दी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और कल वो आईटी पार्क कितने बजे जाने का है? 10 बजे। लेकिन है क्या आईटी पार्क में? सोने का अंडा देने वाली बहुत सारी मुर्गियां। क्या? कौड़ियों के दाम पे तुम लोगों ने किसानों की जमीन ली और ये आईटी पार्क बनाया। अब वो बेचारे किसान या तो मार्केट यार्ड में हमाली कर रहे हैं, बेवड़े बन गए हैं, या खुदकुशी कर रहे हैं। और तुम लोग सालों करोड़ों रुपया छाप कर यहाँ अयाशी कर रहे हो। हफ्ता तो देना पड़ेगा। मेहनत की कमाई है हमारी, तुम इस तरह डराओगे धमकाओगे तो क्या हम इतनी आसानी से दे देंगे पैसे? बिल्कुल दोगे। और मैं नहीं बोला ना तो हाथ पैर जोड़कर अपनी मेहनत की कमाई मुझे दोगे, वरना सबके सर के ऊपर एक एक गोली। मेरी मर्जी को दिमाग में रखकर अपनी मर्जी चला रहे। ननी बैठो। सर प्लीज, प्लीज सर। बैठो 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 बैठो। तुम्हारे गांव वालों ने यहाँ पर एक नई दुकान खोली है। मतलब? आईटी पार्क वसूली हफ्ता 2 करोड़ महीने का। इतना? अग्रवाल का फोन था, डरा हुआ है, फटी पड़ी है। मैंने बोला एनसी कर, नहीं तो उदय भाऊ मुर्गों की लड़ाई देखिए। गांव में कई बार तेरे 2 मुर्गों को यहां पर लड़वाएंगे। बड़ा मजा आएगा। पड़वल सर, बेटिया का फोन लगा, उसको बोल के उसके आईटी पार्क का हफ्ता अब राहुल भाई के पास जा रहा है। सर बेटिया। क्या बाबा, कैसे हो? माँ कैसी? कौन है ये? पता नहीं। ये कैसा जवाब हुआ? पेपर रोज पढ़ती हूँ मैं। अरे वो कुछ भी लिखते हैं, तू उन्हें मत पढ़ा कर। गण्या, इधर इधर। बोल सत्य भाई। ये शानी, ये राहुल के पास इतना पैसा है, फिर भी बार बार चाय पीने को इधर क्यों आता है? जमाई होने वाला है तेरा। ये बेटी है मेरी, इसका हाथ इसके हाथ में देने से पहले ना मैं इसको चलती ट्रेन में आके फेंक दूंगा। रावलिया
सत्या भाई मंदा का हाथ तेरे हाथ में देने से मना कर रहा है। इसकी माँ का। ए बेवड़े, तेरे से पूछ नहीं रहा हूँ मैं, समझा? नहीं मानेगा ना तो उठा के लेके जाऊंगा इसको मैं। अच्छा, ए राहुल, मेरे सर में दर्द होता है ना, तो इधर दुकान है बाजू में, उधर से मैं सर दर्द की गोली लेता हूँ, 1 रुपए की 2, लेकिन 4 बार ऐसे उल्टी पलटी करके देखता हूँ उसकी एक्सपायरी डेट। हाँ, एक्सपायरी डेट। हाँ, ये तो मेरी बेटी है। क्या है मेरी बेटी? तो इसके लिए लड़का ढूंढने का टाइम कितनी बार देखूंगा ऐसा उल्टी पलटी करके? क्या बोल, किसी आयरे हाथ में नहीं दूंगा मेरी बेटी का हाथ। और तू तो लुक के गया गुजरा है, तेरी एक्सपायरी डेट तो कब की आ चुके है? मेरी एक्सपायरी डेट निकालेगा? हाँ, तू कभी भी घंटी टक कर दी है। राहुल, राहुल, क्या कर रहा है तू? राहुल छोड़ दे। अब बता किसकी एक्सपायरी डेट आई है? तेरी। हाँ, डर सा नहीं मैं तुझे। रुक बंदा, तू क्या तेरी बेटी नहीं देगा? तेरी बेटी सोई है मेरे साथ, अब रोकेगा मेरे को? रोकेगा मुझे? अबे रोक। सत्या, बेशरम, अगर उसने हाँ भी बोल दिया ना, फिर भी मैं तेरे से शादी नहीं करेगी। ये मतलब कैसी बात कर? और तू क्या हक जताना चाहता है मेरे पे? क्या बताना चाहता है सबको? हाँ, सुनो रे सब लोग, हाँ मैं सोई इसके साथ, लेकिन फिर भी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मंदा, जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प सकता है, लेकिन मंदा को छीन नहीं सकता ये। मंदा, मैं तेरे से प्यार कर, नफरत करती हूँ तेरे से। अगर तू मुझे यहाँ से उठा के लेके जाना चाहेगा ना, तो सिर्फ मेरी लाश उठा सकता है। बोल राहुल, आईटी पार्क बार का गया था पैसा लेने, दया और बेटे ने उसको ठोक दिया और पैसा ले गए। बार क्या गया? तेरा नंबर आ रहा है राहुल। ये बगे जरा नेट उदय भाई। यस सर। मुर्गों की लड़ाई से ये बेहतर है, ये भाईगिरी वाले एक दूसरे की गिनती कम करेंगे और भाईगिरी बंद। तो अपन क्या करेंगे? अपन सिर्फ गिनती करेंगे। पडवल सर, नाम लिखो। जी सर। सौरभ सालवी, विकास सनप, नीलेश यादव, रईस। राहुल, तेरे 2 बंदों को तैयार पेटिया ने मार दिया। राहुल ने तेरे 2 बच्चों का गेम बजा दिया। काम हो गया? हाँ। चाय? नहीं सर, नहीं, जाना है।
क्या अग्रवाल सेठ, पैसा रेडी है? अरे और कितने लोगों को देना पड़ेगा पैसा? और किसमें हिम्मत है तुमसे पैसा मांगने की? हम में की बहन हो और घर का काम करती हो, फकर है तुम पर और तुम्हारे बाबा पर। अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना नहीं। साहब, राहुल ठंडी हो जाती है तब वो बारिश बनकर नीचे गिरती है, समझे? अच्छा, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं यार। क्यों? पागल हो जाता मैं। तू कहेगा मास्टर पागल हो जाता। अरे इतना मुश्किल नहीं है दादा, मैं सिखाता हूँ ना आपको। बोल। अबे तू मुझे कुछ मत सिखा। रावलिया। हाँ। दया का पता चल गया। साला इसकी। कहाँ जा रहे हो दादा? तू पढ़ाई कर, मुझे किसी की ट्यूशन लेनी है। साहब। अरे तू क्या कर रहा है इधर? सर, पिटा के लड़के लोग वो मकवाना ज्वेलर्स के पास गए थे एक्सटॉर्शन के लिए, ये भी उनके साथ था। क्या सुन रहा हूँ?
तू किस लिए गया था उन गुंडों के साथ? मैं नहीं जानता था वो वहाँ क्यों गए थे। दोस्त है मेरे, वो गए इसलिए मैं भी गया। दोस्त है? इतना महंगा फोन कहाँ से आया? पिटे दादा ने गिफ्ट दिया। तो आपकी औकात है खरीदने की? माँ बीमार है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। पिटे दादा ने पैसे दिए इसलिए मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। पिटे दादा से पैसे कैसे लेता है तू? कैसे लेता है पैसे? बाप क्या बोल निकलता है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो उदय भाव? माँ को पता चलता तो जान देती हो। मालूम है आपको क्या कहे इसने? सब सुना मैंने। बैठ जा बेटा, बिठाओ इसको। पड़वल सर, बिटिया भाई ला फोन लाओ। लाओ तो सर। सांग, इनकाउंटर से ऑर्डर आ रहा है। ओके सर। हवलदार पड़वल बोल रहा हूँ। तेरे इनकाउंटर का ऑर्डर आ गया है, 24 घंटे में पैकअप। क्या बोला? अरे वाह, पिटिया भाई आ गए, पिटिया भाई। अरे काय का पिटिया भाई साहब, साहब बचा लो प्लीज, बचा लो प्लीज। यहाँ पर आना कैसे हुआ? अरे वो परवल ने फोन किया मेरे नाम पे, वो एनकाउंटर का ऑर्डर निकला ये बोल के मुझे वो फोन किया साहब। पठरधन जिसको तूने मारा है ना, वो होम मिनिस्टर को वो रिश्तेदार निकला। गलती होगी साहब, गलती होगी। वो मैं जो खर्चा को मैं करूंगा, आपका पैर पकड़ता हूँ साहब, मुझे बचा लो साहब। केस मेरा नहीं है, उदय भाव का है। उदय भाव का? उदय भाव? उदय 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 भाव? उदय भाई आप मेरे गांव वाले हो, आप मुझे बचा लो, जितना खर्चा मैं करूंगा उदय भाव, प्लीज प्लीज। ये है तेरा हीरो, प्लीज बचा लो उदय भाव। मार इसको लात। नहीं सर। अगर तू इसको लात नहीं मारेगा तो तेरा बाप इसको ठोक देगा। नहीं उदय भाव, यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन के बाहर। क्या बोल रहे हो साहब? ए भाव, भाव, मत करो भाव, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे मार लात, इसकी जान तेरे लात में है। मारना अरुण, देख क्या रहा है, मार मार, आजा मार 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 मार। अरे जान का सवाल है अरुण, खींच के मार। अरे क्या सोच रहे हैं? तू मेरी बात सुनता है ना? जोर से मार, 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 मार। जा, इसने तेरी जान बचाई। सब शुक्र। मैंने बोला ना, ये केस मेरा नहीं है, उदय भाव का केस है। उदय भाव शुक्रिया। तू पुलिस वाले के साथ झापड़ खाया, हिला भी नहीं। ये तेरा हीरो है, एक ही में हिसाब, डायरेक्ट फुल पेशाब। बाबा सॉरी, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा ऐसे। ये ले फोन तेरा। सॉरी बाबा, माफ कर दो। ये सब घर पे करना, ड्यूटी पे जाने का है। भाई किसका है? पक गया, उठा स्पीकर पे डाल। बोल पक गया। हाँ दादा, सिद्धू को स्कूल में लेने आया था। सिद्धू स्कूल में नहीं है। नहीं है मतलब? दादा मैंने सब जगह ढूंढा उसे, लेकिन वो स्कूल में नहीं है, दिख नहीं रहा। अबे उसको ढूंढ, पक गया, नहीं मिला तेरे को जान से मार दूंगा मैं। पिटिया भाई। अरे साहब इधर क्या कर रहे हैं? मिठाई की तलब लगी है। नहीं नहीं साहब। टाइम वेस्ट मत कर, राहुलिया बहुत बड़ा हो गया है, राहुलिया के पीछे भाग। साहब अंदर जो बच्चा है ना, वो राहुलिया का खास है, उसको उठा लिया ना राहुलिया अपने आप आ जाएगा। यही फर्क है राहुल में और तुम दोनों टुच्चों में। भाईगिरी का भी उसूल होता है, परिवार बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाता। चल टुच्चे, चल चल। भाई सिद्धू नहीं मिला। क्या हुआ रावलिया? बेगड़िया, तेरे को मैंने बोला था ना सिद्धू के साथ दो लड़के रखने को, बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन बकिया को बोला था मैंने, वो कन्हैया को कुछ हो गया ना, तेरी जाने लोगों में सब जा। अरे लेकिन आ गया सिद्धू। कहाँ गया था, कहाँ गया था तू?
तुम्हारा बर्थडे है तो केक लाने गया था। हाईला हाय राहुल, ध्यान में नहीं रहा। अगली बार मेरे को बिना बताया गया ना तेरी जान ले लूंगा मैं। सॉरी। चल जाते यार, रुजा साथ में के खड़ते हैं। ठीक है आजा, भूख लगी ना? हाँ चल। अरे वाह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्यों डर गए? कौन मैं? मैं क्यों डरूंगा? इस बच्चे को कुछ होना चाहिए। सब बस्ती में आग लगा दूंगा अगर किसी ने इसको हाथ भी लगाया तो। तेरा और इसका क्या नाता है? इसका, ये मेरी जान है। इसके भी माँ बाप नहीं है, अपुन के भी माँ बाप नहीं है। वो आदमी जो मार्केट यार्ड में हमाली करता है वो कौन है? और वो औरतें जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है वो कौन है? राहुल, जो नन्या ने तेरे बाप के साथ किया ना, वही तू दूसरे किसानों के साथ कर रहा है। खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, अब इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे तुम चिंता मत करो साहब, मैं उसको अपनी तरह गुंडा नहीं बनाएगा, उसमें बनाएगा गुंडे का बाप। तुम्हारी तरह पुलिस वाला बनाएगा। और पता मैं क्या बनूंगा? तुम तो जानते ही हो सीएम। पागल हो गया तू? तू वाकई में अपने आप को प्लास्टिक समझने लग गया है। तू प्लास्टिक है, इस शहर का कचरा। अरे मेरे को कोई कम नहीं है, अपुन जैसा भी प्लास्टिक है ना, अपुन राज करेगा राज। और एक बात सुनो, आज इस हमाल के पास गांव में 300 एकड़ है। कितना? 300 एकड़। लेकिन इस 300 एकड़ पर खेती बाड़ी कौन कर रहा है? तेरे बाबा कर रहे हैं, तेरी माँ कर रही है, या तेरी बहन? मेरी भी पैदाइश महाराष्ट्र की ही है और मैं किसान का ही बेटा हूँ। मेरे बाबूजी, उनकी भी जमीन छीन ली गई, लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना, मैं बना गुंडे का बाप, पुलिस वाला, ताकि तुम जैसे गुंडों को मिटा सकूं। 6 महीने पहले मैंने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में सिर्फ 1 एकड़ ली। मेरे बाबूजी रोज सुबह खेती बाड़ी करने जाते हैं, बहुत खुश हैं। तेरा बता 300 एकड़ की बात करता है, कल 600 हो जाएंगे, परसों 6000, लेकिन अंतिम वक्त में काम आएगी सिर्फ 6/3। कितना? 6/3। महाराष्ट्र 10 CM बढ़ेगा। ये कौन है रे? मैं। अरे राहुल भाई, आना पड़ा शिंदे सेठ। अरे भाई मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तेरे को मैंने बोला था जादव की जमीन 2 करोड़ में खरीदने को, तू मेरी बात सुना ही नहीं। क्या क्या करूं राहुल भाई, मार्केट खराब है। बैठ ना। हाँ। मार्केट खराब नहीं है, तेरी नीयत खराब है। उसको 50 भेज देता हूँ भाई। 50 उसको, 1 मुझे। अरे ये कोई तरीका है? पहले 25 दिया ना। अरे नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जनाब की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार। रहने दो, रहने मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे सर। अरे राजवीर कैसे हो? ठीक हूँ सर। लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है पुणे में? आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन आगे जाके ठीक ही होगा। क्योंकि आज के लॉ तोड़ने वाले कल लॉ के रखवाले बनेंगे। मतलब? आज का रॉबिन हुड कल का एमएलए। शायद परसों का सीएम। Thank you.
कितने हैं? एक होगा। राहुल की लाश मिलने पर और चार मिल जाएंगे। जल्दी मिलेगी। उसके बाद मेरी ओर से दो और मिल जाएंगे। मार्केट यार्ड पुलिस स्टेशन से हवलदार पडवड़ बोल रहा हूँ। बोल। तुम्हें मारने के लिए शिंदे ने 7 करोड़ की सुपारी दी है पिटिया को। अच्छा, खबर पक्की है? हाँ, एकदम पक्की। क्या बोला? एकदम शांति है। लेकिन सर, अब शिंदे की जान को खतरा है। आयका, शिंदे की जान को खतरा है? वो कौन सा कोई संत महात्मा है? इस कहानी की शुरुआत शिंदे से हुई और राहुल इसकी अंतिम कड़ी है। राहुल भाई, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मेरी सुपारी दिया तू पीटीए को? नहीं। अरे मालूम है मेरे को, गलती हो गई। एक बार माफी दे दे राहुल भाई, एक बार गलती हो। अरे तेरे को जबान दी थी मैंने, दी थी ना, गलती हो गई। आज पूरी करेगा मैं राहुल भाई। ए गणिया, ले जा इसको। याद है शिंदे, तूने मुझे कहा था कि तू मुझे घोड़े लगाएगा और मैंने कहा था कि मैं तेरे बैल लगाऊंगा, वो भी जोड़ी में। तेरे लिए खास खरीदे। ए बांध रहे इसको। बाप की जमीन ली, उसी की जमीन पर तूने उसको चौकीदार बनाया, बेइज्जत किया। तेरे वजह से आज मेरे पास मेरे बाबा नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है। तेरी वजह से हर चीज खत्म हो गई। जमीन में आज वापस लेके रहूंगा मेरे बाबा के लिए। शिंदे, तेरे को मैंने कहा था खून बहाए मेरा इस जमीन पर, एक दिन लेकर रहूंगा। ए गणिया, अंगूठा ले। देख शिंदे, देख, ले ली तेरी जमीन, ले ली। दत्ताबाऊ, राहुलिया, गलती से लग गया क्या फोन? ए बाबा, खुशखबरी है, शिंदे से ले ली अपनी जमीन। देख राहुलिया, वो जमीन मेरे बाबा की थी,
अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो जमीन मैंने कौड़ियों के दाम बेच दी। मर जाऊंगा उस पर हल नहीं चलाऊंगा। ए बाबा मेरी बात सुनना। बाबा आ गया राहुलिया। Exactly. अब उससे ही बात कर लेना मोरे काका। इसकी वजह से। अच्छा बैठ। और मोरे काका, तबीयत ठीक है? कैसे ठीक रहेगी? पेट पे लात मारना चाहता है तू तो? कैसी बातें कर रही है? ये गणिया, क्या बोला तुमको? मैं बोला जगह बेचने को। मान ही नहीं रहा। ये राहुल। छोड़ना उनको, काम की बात करते। जाने देना तू। देखो मोरे काका, आपकी इस 2 एकड़ जमीन की वजह से ना मेरा 5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये मित्तल है, इसको वहां पे फैक्ट्री डालना है। आप दाम बोलो ना। इसकी माँ का राहुल, राहुल क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ बहुत हंसी आ रही है। हस, ये हंसना। राहुल क्या कर रहा है? हस, रुक गई। सॉरी, वो गलती हो गई। वो क्या है ना कि 12वीं के एग्जाम में मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हुआ ना, और इंजीनियरिंग में डोनेशन भी नहीं देना पड़ा। पाप को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है बेटा? लेकिन सॉरी, मगर वो अरे ये लड्डू देना, लड्डू दे, लड्डू दे। हम मोरे काका की जमीन नहीं लेंगे। ये जमीन तो चाहिए हमें। तेरे को दूसरी जमीन ला के देता है। राहुल भाई, इसके जमीन के पीछे पानी है। अबे तेरे को बोला दूसरी जमीन देता है, वो भी पानी के पास। कहाँ जा रहा है? काम है। रुक, मैं आता हूँ। बच्चा नहीं हूँ मैं, समझा? हर जगह मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। बताओ राहुल, बाबा तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। बाबा आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को आप लोगों के बिना। अपनी मर्जी से गया था ना तू? कैसी मर्जी बाबा? आप लोगों को कितनी बार बोला मेरे साथ आके रहने के लिए? तुम्हारे घर में उन लाशों की बू आएगी जिनको तूने मारा है। कॉरपोरेटर को मारने के बाद तुम्हें एक मौका मिला था सुधरने का, लेकिन तुम्हें मस्ती चढ़ गई थी, पैसों की, भाई गिरी की। बाबा रमेश सब छोड़ देगा तो वापस आएगा? नहीं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। जिस दिन सजा काट के आओगे, खुशी खुशी तुम्हें अपना लेंगे हमारे घर में। बाबा आप जानते हैं मुमकिन नहीं है। बाबा मैं आपको वादा करता हूं, मैं सब छोड़ देगा। बाबा मैं राजनीति में जा रहा है। बाबा एक पार्टी टिकट भी दे रही है मेरे को, और मैं जीत भी जाऊंगा। बाबा एक बार आपके और मां के चेहरे पे वो पहली वाली हंसी दिखना चाहता हूं मैं। आ जाना मेरे साथ रहने। बाबा मैं बहुत अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं मैं बाबा। एक बार पहले जैसे हंस देना बाबा। हमारे हालात ने हमारी हंसी नहीं छीन ली राहुल, तुम्हारी करतूतों ने छीन ली है। जिस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे ना, जी भर के हंसूंगा मैं। अब खाना खा लो।
बहुत मेहनत बाकी है। या भाई में भाई राहुल या भाई राहुल मेरी तरफ से मैं पैसे नहीं लूंगी। तुझे एक खुशखबरी देनी है। आओ ना। अगले हफ्ते शादी है मेरी। इसके साथ और 6 महीने में मेरे बच्चे का नामकरण विधि है। अगर फुर्सत मिले ना तो आ जाना। वो क्या आएगा? उसकी तो एक्सपायर डेट भी एक्सपायर हो गई है। राहुल भाई ये मंदा साड़ी में इस गजरे में एकदम मस्त लग रही है। अगर जिंदा रहना तो जरूर आऊंगा। गणपति बापा मोरिया। सला विसर्जन ड्यूटी वर जाऊँ यार। अरे इतने अच्छे दिन के ऊपर इस मनुष का फोन क्यों आया? कुछ नहीं राजवीर, मैंने तेरे को फोन इसलिए किया है कि आज पुलिस का काम मैंने करने का फैसला लिया है। प्लीज करो। आज विसर्जन में तुम सिर्फ तमाशा देखोगे। तमाशा देखेंगे? राहुल और गणेश की पूरी गैंग का गेम बजेगा। प्लीज बजाओ। रोको मत। बिल्कुल नहीं रोकेंगे। सिर्फ एंजॉय करना। एंजॉय करेंगे सर। हम कुछ नहीं करेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन करा तो पाजी ही रहे। वो तो है। चला प्लीज सर। तू जानता है मेरी शुरुआत कहां से हुई थी? मार्केट यार्ड। और तू जानता है यहां मैंने अपना दिल खोया था? चाय की दुकान पे। दुकान पे नहीं रे, चाय वाली पे। है ना खूबसूरत? ए मंदा, तेरे ग्लास लौटाने आ गया मैं। तेरी याद में रखे थे, अब तू नहीं है तो क्या तेरी याद? दादा है? अरे कोई नहीं है वहां पे। उसकी शादी हो गई ना। चल तू मेरे साथ। कहा? अरे सवाल मत पूछ, तू चल ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
जब जब दुनिया ने हाथ नहीं थामा मेरा सफर देवा तेरे द्वार आया धूप नहीं है मेरी छाव नहीं मेरी सब कुछ है तेरा बापा मोरया क्या कर रहा है तू इधर? ये बच्चा मेरा है। नहीं, ये बच्चा मेरा है। नहीं, मेरा है। अच्छा है। ए बंदा, जिस चीज को मैंने छुआ है ना, वो साला मिट्टी हो गया। माँ गई, पापा गया, अब तू भी मुझे छोड़ के चलेगी? हो सके तो मेरे को माफ कर दे रे बंदा, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती होगी। दादा चले, विसर्जन में जाना है। तू गनिया को फोन लगा। ये गणे मैं नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तू घर पे जा, मैं आता हूँ। कौन? राहुल रे, वो नहीं आ रहा है, घर पे गया। अच्छा भाई, राहुल नहीं आ रहा यार, वो घर पे है। उसकी तो घर जाके ठोक, चल जा, चल जा, जाओ, चल आ जा। मैंने कहा था ना, जिस दिन सरदारती हटेगी सब दीप फटेगी। आज ये सरदारती हट गई। देखा राजवीर, शहर की गंदगी को हटा दिया। पूरी तरीके से कहाँ हटाई सर? मतलब आज नहीं साहब,
बस एक दिन का मोहलत दे दो मुझे, पहले मैं कन्या का अंतिम संस्कार करूंगा, पिटिया दया को खत्म करूंगा, और उसके बाद तुम फांसी भी लगा दो तो कोई गम नहीं। अगर मैं नहीं आता तो तू ये बकवास करने के लिए जिंदा नहीं बचता। मेरी तकदीर है साहब कि मैं जिंदा हूं। जा अजमा ले अपनी तकदीर। चाय पीने, तू पिएगा? कटिंग बोल। दो कटिंग। हाँ बोल। पहुंच गए हम लोग। चल 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 चल। अरे बैठ। पहुंच गया वो। चल। दादा मैं तकलीफ में हूँ, सुन घर के बाहर जो लड़के लोग हैं ना उनको बोल मार्केट आने को, ठीक है? हाँ ठीक है दादा। मर्सिडीज की हालत देख, खुद को बेचेगा ना तू भी, इसके रिपेयर का खर्चा नहीं दे पाएगा। ओ शिंदे सेठ, पैसे की अकड़ मत दिखा, भूल मत जिस जमीन पे तू खड़ा है ना, जमीन कभी हमारी थी। रोकड़ा देके खरीदी है मैंने। अरे जा, सबको पता है किस दाम में खरीदी है। राहुल राहुल बस करो, गलती मेरी थी, मैंने कहा ना तुम्हें एक मौका मिला था सुधरने का, आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे। मैं आधी नहीं खाऊंगा, मैं पूरी थाली खाऊंगा, वो भी स्वीडिश के साथ। तेरी बेटी सोइए मेरे साथ। जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प सकता है लेकिन मदा को छीन नहीं सकता। ये तेरे जैसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास, जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया है। ये भाई बन जाते हैं बाबा, जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना तो परायों को ही अपना बनाना पड़ता है। पहले तेरी बहन को रेप करेगा फिर हाँ बोलिए
जी। साहब दत्ता पाटिल बोल रहा हूँ मार्केट यार्ड से, इधर फायरिंग हो रही है, कुछ करो साहब, रावला मर जाएगा। आया। चलो दया पिटिया, गेम ओवर, वहां पर जाके बैठो। किस खुशी में? गणिया का मर्डर का रिकॉर्डिंग है। वो राहुल या कुत्ता यहीं कहीं छुपा है, उसे ठोक कर हाजिर होते हैं तेरे सामने। तो पुलिस यहां पर क्या करेगी? गोटिया खेलेगी। तेरे को जो करना है कर ले, चल रही। और आपका क्या? साहब मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूं। सही फैसला किया। दादा तू क्या कर रहे हैं यहां पर सिद्धू? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। है क्यों? माँ के मरने के बाद कसम खाई थी तुझे बीज बाजार में ठोकूंगा। मेरा नाम सिद्धार्थ,
सिद्धार्थ मारुति कांबळे। कुछ याद आया? सही है। मर गया कुत्ता। एक खाकी वर्दी लेके चल गली छूट जाएंगे साला। और छूटते ही पुणे के पूरे महाराष्ट्र में राज करेंगे। महाराष्ट्र क्या तुम्हारे बाप का है? राहुल बाबा तेरी नहीं सुनी मैंने, माफ कर दे। साब अपुन अलग है, अपुन टिका रहेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। पर हंस देना बाबा, मेरे लिए एक बार हंस दे। जिस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे ना, जी भर के हंसूंगा मैं। से कहा था कि अंतिम वक्त में काम आएगी सिर्फ 6/3।